तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्री फायर को लेकर के। यार आज जो है क्रिएट्स को ओपन करेंगे, पूरे डायमंड्स को बर्बाद करेंगे। तो गाइस यहां पे बता देते हैं, यार देख सकते हो एडवांस सर्वर आप लोग, मतलब कि जो लोग आगे चल के फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके लिए यार इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमें मिल रही है गाइस, देख सकते हो। और फाइनली आपको आज कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां से आप जीत सकते हो 10 लाख तक के रुपए। तो गाइज ये एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, और यार आप लक ट्राई करने में क्या लगता है, तो इसके बारे में फुल बताऊंगा आपको, और बहुत सारे अपडेट्स में उसके बारे में बात करूंगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे एडवांस सर्वर के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यार हम आज परमानेंट गन के स्किन निकालने की कोशिश करेंगे, क्यूपर्ड स्कार और वो जो M10 वाला है उसका भी। तो गाइज इसमें मेरे 10,000 के करीब डायमंड्स लगने वाला है। तो गाइज देख सकते हो यार लेवल अप को लेकर के गाइज मेरे को EXP बोनस मिला पूरे 20 लेवल के लिए। यहाँ पे मेरे को लगभग में 20 लेवल मेरा अचानक से हो गया, और गाइज मेरा 11 लेवल था, 20 लेवल हो गया मेरा, और 20 लेवल हो गया। तो गाइज देख सकते हो अभी मैं डायमंड जो है क्लेम करना होगा 20 लेवल होने के वजह से, मतलब कि उसके खुशी में। तो गाइज चलो हम लोग क्लेम करते हैं। गाइज देख सकते हो यार इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और गाइज इससे पहले अगर आपको बता दें कि आपको मतलब कि अर्निंग ऐप के बारे में जानना है, तो गाइज आपको चल रहा है विंजो गोल्ड जिस एप्लीकेशन का नाम है, और इस एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको यहाँ पे ओनली गेम्स खेलना है, और गेम्स खेल के आप इजीली बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको दिया गया एक नया हम लोग का इवेंट चल रहा है इसी के अंदर कि अगर आप फ्रेंड को रेफर करते हो तो आप 10 लाख तक के रुपए जीत सकते हो। ये जीतोगे कैसे, तो स्टेप्स भी आपको खुद दिखाई दे देगा आप इंस्टॉल करोगे तो। तो गाइस जाके फटाफट से सभी लोग इंस्टॉल कर लो, और दिया गया है रेफर वन फ्रेंड, स्टेप में दिया गया है कि क्या क्या आपको करना होगा, और बस आपको रेफरल करना है, मतलब कि आप रेफर करते हो तो आपको एक टिकट मिल जाएगा, और जितना आप रेफर करोगे उतना टिकट मिलेगा। रेफर मोर टू विन द जैकपॉट, मतलब जितने आप रेफर करोगे उतने, मतलब जैकपॉट यानी कि 10 लाख रुपए तक के जीतने का चांस है, और बहुत सारे रुपए जीतने का चांस है। तो गाइज जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके डाउनलोड करो इसमें आप, और आप वो ऐसे ही नहीं, इसमें आप गेम्स खेल के बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो। मैंने भी फाइनली किया है इससे बहुत सारे अर्निंग, एंड एकदम ईजिली विड्रॉ कर लेते हो गाइज। तो जाओ और इंस्टॉल करो, सभी लोग जिनको मतलब कि यार लक ट्राई करने में क्या जाता है, जाओ इंस्टॉल करो, 10 लाख रुपए का सवाल है। और वैसे भी आप जिनको एयर ड्रॉप्स आते हैं 10 रुपए वाला, 29 रुपए वाला, या फिर कितने भी रुपए वाला एलीट पास लेना है, तो आप यहां से इजीली ले सकते हो टूर्नामेंट, मतलब कि खेल करके इजीली टास्क को कंप्लीट करके आप खेल सकते हो। तो गाइज बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जाके आप इंस्टॉल करो सभी के सभी बंदे। अब यहाँ पे चलो गाइज देख सकते हो यार इतनी सारी चीज़ें हम लोग क्लेम कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर से मतलब कि डायमंड रॉयल वाउचर निकल रहा है, और इसके अंदर से देखते हैं क्या निकलने वाला है। तो यहाँ से क्या निकलेगा गाइज, क्या निकलेगा, दो ओपन कर लेते हैं गाइज, दो ओपन में क्या निकलेगा, एक एक ओपन नहीं करेंगे, नहीं एक ही ओपन कर लिए, चलो ये वाला निकला 24 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, और ये वाला निकला हम लोग को, अच्छा एक निकला मॉन्स्टर मास्क, और यार इतनी सारी चीज़ें निकल चुकी है। और गाइज देख सकते हो रैंक टोकन भी हो चुका है हम लोग के पास, और ये वाला चीज़, तो चलो ये सब तो फालतू की चीज़ है। तो गाइस जाओ जल्दी से, अब बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इसके साथ अपडेट के ऊपर ही बात करेंगे नेक्स्ट में। तो गाइस देख सकते हो यार, सबसे पहले चलो यार अपडेट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो आपके फ्री फायर के अंदर स्टोर के सेक्शन पर एक नया आइटम ऐड होगा जो कि हम लोगों का होगा बंडल शोल्डर का, ठीक है गाइस। तो नया स्पेस शोल्डर का OPS का बंडल जो बताया गया था वो हम लोग को स्टोर के अंदर ऐड होगा, और इसका हाई प्राइस होगा, ये कम प्राइस पे ऐड होने वाला नहीं है, मतलब कि हाई प्राइस पे हम लोग का डायमंड, मतलब कि ये स्टोर के अंदर ऐड होगा ये वाला बंडल। तो ये बंडल भी देखने में काफ़ी ज़्यादा भयंकर होगा गाइस, देखते हैं हम लोग के अपडेट के बाद ऐड कर दिया जाए। और साथ ही साथ अलवारो जो कैरेक्टर हम लोग के फ्री फायर के अंदर देख सकते हो गाइस, जो स्किल स्लॉट है इसमें, स्किल स्लॉट 2000 गोल्ड पे जो है यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है। तो यार 2000 गोल्ड यानी कि आप जैसे ही अपडेट आता है 11 तारीख को, तो यहाँ पे जितने सारे स्किल्स को आप अनलॉक करोगे साथ ही साथ कैरेक्टर्स को अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे कम डायमंड लगने वाला है। तो ये तो एक बहुत अच्छा हो गया कि हम लोग अगर किसी भी कैरेक्टर का मतलब कि लेवल अप करते हैं तो उसमें कम गोल्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। और अलवारो जो नया कैरेक्टर ऐड हुआ हम लोग को फ्री फायर के अंदर, उसका जो एबिलिटी देख सकते हो गाइस लैंडमाइन को लेकर के ही है, लैंडमाइन आप लगाओगे तो थोड़ा बंदा दूर से ही फट जाएगा, तो ये एक अच्छा अपडेट है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट एलीट पास हम लोग का आने वाला है गाइज वो भी आप देखो, यहाँ पे स्किल मतलब कि हम लोग जो स्किल अनलॉक करते हैं स्किल स्लॉट को वो भी काफ़ी कम गोल्ड पे अपग्रेड हो रहा है। तो देखते हैं नया अपडेट आता है तो क्या होता है इस चीज़ को लेकर के। 4 स्किल स्लॉट भी ऐड होगा, तो 4 स्किल स्लॉट अभी हम ऐड कर देते हैं। तो गाइज अपने नेक्स्ट एलीट पास में कुछ जो कि अभी चल रहा है, तो ये वाला चेंज होकर के हम लोगों को मिलेगा कौन वाला, तो ये वाला गाइज देख सकते हो, ये हम लोग का नया एलीट पास में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आइकन, और ये हम लोग का नेक्स्ट एलीट पास में ऐड होगा जो कि
अगले सीजन का होगा, ठीक है गाइज। तो ये भी अपडेट आपको नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन ये वाला एलीट पास आएगा हम लोग के नेक्स्ट अपडेट में, ठीक है गाइज। तो गाइज अब चलिए हम सीधा अपना क्रिएट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर से निकलता है, ठीक है गाइज, और देखेंगे हमारा लक आखिर क्या कहता है। तो गाइज इससे पहले देख सकते हो यार, हम लोग को परमानेंट यहाँ पे गन निकल चुका है, जो कि होगा हम लोगों का M4A1 का। और गाइज इस गन का एबिलिटी देख सकते हो, डैमेज डबल है और मैगजीन प्लस है, और ये जो रेंज क्या माइनस है, एक्यूरेसी माइनस है। तो गाइज ये गन हमें फ्री में मिला है, हमें यकीन नहीं हो रहा है गाइज कि इतना सारा गन यार फ्री में मिल रहा है एडवांस के अंदर। और यार नॉर्मल के अंदर तो देते तो मज़ा ही आता, वैसे नॉर्मल के अंदर मिलने वाला है, परसों गेम प्ले करना है और मिलेगा हम लोगों को। तो गाइज देख सकते हो यार अपन को क्या निकला है, तो चलो अपन कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा अपने जो है क्रिएट्स को ओपन करेंगे। तो चलो गाइज क्रिएट्स को ओपन करते हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइज हम लोग 1000 मतलब कि पूरे 10,000 के करीब डायमंड्स का क्रिएट ओपन करेंगे। और आर्मोरी के अंदर हम लोग का लक क्या होता है देख सकते हो, 137 मेरे पास है क्यूपर्ड स्कार, और 20 के करीब है मेरे पास वो M10 वाला। तो गाइज इतने सारे क्रिएट्स को ओपन करने के लिए मतलब कि लेने के लिए 10,000-9,000 के करीब डायमंड्स मेरे लग चुके हैं। तो गाइज पहला क्रिएट में तो हम लोग का कुछ नहीं निकला, सेकंड क्रिएट को ओपन करते हैं गाइज। अब हम 10-10 का भी करके इसमें खोलने वाले हैं, तो पहले एक एक करके दो चार खोल लेते हैं। तो यार निकला 3 दिनों के लिए, यानी कि गाइज निकलने का चांस मेरे को बहुत ही कम लग रहा है 3 दिन के लिए। तो फटाफट से लाइक करो गाइज, परमानेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 10,000 के करीब डायमंड्स लग चुके हैं इस चीज़ के अंदर, और गाइज देख सकते हो यार 135 बचा है, एक भी नहीं निकला एक भी नहीं निकला इसके अंदर से। अरे लो 24 घंटा यार, ये तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा दिनों के लिए भी नहीं मिल रहा है। आर्मोरी के अंदर यार 125 बच चुके हैं गाइज, देख सकते हो यार, अब 7 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए 24 घंटे यार, 24 घंटे का तो लाइन लग गया, 3 दिन 24 घंटे फिर 24 घंटे। तो गाइज हम लोग के पास बच चुका है कितना यार, परमानेंट निकलेगा कि नहीं यार, इसकी इसको ही लेकर के मैंने सोचा था कि यार चलो इसको निकालेंगे, और वैसे भी एडवांस सर्वर है और बहुमूल्य चीज़ है ये वाला, तो हम लोग निकालेंगे क्रिएट्स को ओपन करेंगे तो क्या होता है गाइस, और लास्ट में भी बता देंगे आपको ऐप के बारे में क्या करना होगा फ्री में डायमंड्स के लिए। तो गाइस देख सकते हो यार पूरे 114 के करीब क्रिएट्स बचे हैं, और 24 घंटे के लिए लाइन लग चुका है यार, एक भी नहीं निकल रहा है इसके अंदर से, यानी कि हम लोग आर्मोरी के अंदर विश्वास कर ही नहीं सकते कि यहाँ से मतलब कि परमानेंट निकलने वाला है। तो यार चलो 104 बच चुका है ना, 104 में यार एक भी परमानेंट नहीं। अब गाइस चलिए 24 घंटे के लिए यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, मात्र 4-5 तो 24 घंटे के लिए मिल गया, चार एक मिला मात्र 3 दिन के लिए। अब हम लोग के पास 94 बचा है, चलो गाइस 10 क्रिएट्स और ओपन करते हैं, और 10 क्रिएट्स में से देख सकते हो गाइस 24 घंटे के लिए लाइन लग चुका है, 24 घंटे के लिए तो पूरा का पूरा 24 घंटा निकल रहा है। एक शॉटगन का क्रिएट ओपन करते हैं 24 घंटे के लिए, शॉटगन जो M10 वाला है हम लोगों का, वो आग वाला, वो वाला निकाले हम लोग, एक और निकाले तो एक 7 दिनों के लिए निकला। और गाइज चलो अब क्यूपर डिस्कार ओपन करते हैं, यार 24 घंटे के लिए पूरा निकल रहा है गाइज, इसके बाद नहीं निकल रहा है, मतलब कि 10,000 डायमंड्स ऐसे ही गए क्रिएट्स को, एक एक क्रिएट्स को खोलने पर 60 डायमंड खरीदने पर लगता है, और 60 डायमंड एक क्रिएट के लिए, तो 137 था 137, और 20 के करीब ये वाला क्रिएट। तो चलो एक इसको भी ओपन कर लेते हैं, नहीं निकल रहा है 3 दिनों के लिए, क्या लगता है गाइस कमेंट्स फटाफट से करो, परमानेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा गाइस कमेंट्स कर दो जल्दी जल्दी से यार, कि परमानेंट निकलता है कि नहीं निकलता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, वैसे भी हमें पता चल जाएगा, बट आर्मोरी के अंदर कितने सारे भाई लोग कितने डायमंड बर्बाद किए हो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि यार बहुत सारे डायमंड्स यहाँ बर्बाद होते हैं। आज तक आपने कितने सारे क्रिएट्स को खोला है आर्मोरी के अंदर से, डिस्काउंट वगैरह वगैरह सब लेकर के। तो चलो गाइस एक क्रिएट हम लोग और ओपन करेंगे, 15 बज चुके हैं, 24 घंटे के लिए निकला हम लोग का M10, और क्यूपिड स्कार बच चुका है इतना सारा 53। तो गाइस परमानेंट निकल गया हम लोग का क्यूपिड स्कार, यार देख सकते हो यार हमें यकीन नहीं था कि एक क्यूपिड स्कार भी परमानेंट निकल जाएगा, बट गाइस अफसोस की बात तो ये है कि हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे अदर में, यानी कि जैसे ही हम लोग का ये एडवांस सर्वर आईडी वाला ख़त्म हो जाता है तो ये वाला काम नहीं करेगा। लेकिन यार 10,000 के करीब डायमंड हम लोग लगाए, जिसमें से कि हमें एक ये वाला ओपन किया, एक ये वाला ओपन किया, तो एक निकल गया। अब गाइस चलो पूरा क्रिएट्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से, क्योंकि अभी तो इतना सारा बचा है, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा तो हम लोग देख लेंगे। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अच्छा दो दो स्कैनर दे रहे हैं, 60 डायमंड का कीमत 2 स्कैनर
60 डायमंड का कीमत 2 स्कैनर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। ये दो दो निकल रहा है इसके अंदर से। दो दो स्कैनर लेके हम लोग चलो इसी से काम चला लेते हैं गाइस, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गेम के अंदर। चलो लास्ट बचे अब लोग M10 को ओपन कर लेते हैं, 10 क्रिएट्स को एक एक करके, या फिर 10 करके डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। तो इससे पहले चलो गाइस ओपन करते हैं 1 क्रिएट को। 3 दिनों के लिए निकला, अब M10 परमानेंट निकल जाता तो मज़ा आ जाता। तो गाइस क्या लगता है, M10 परमानेंट निकलेगा? 14-13 बॉक्सेस हैं हम लोग के पास, M10 परमानेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर कुछ और होने वाला है? अब तो लास्ट बचा है यार, कुछ ही बॉक्सेस बचे हैं, और मतलब कि अभी भी निकलने का चांस है हम लोग के पास। पूरे 18 दिनों के लिए निकल चुका है, 19 दिनों के लिए, और क्यों मतलब क्यूपर्ड स्कार जो है परमानेंट निकल चुका है गाइस, देख सकते हो। और देखने में गन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अभी इवेंट चल रहा है मोको स्टोर, मोको स्टोर में 1000 डायमंड बर्बाद करने पर यह परमानेंट मिल रहा है। तो गाइस अपन ने परमानेंट मिलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या लगता है गाइस, अपन परमानेंट निकाल लें इस चीज़ को या फिर नहीं निकाले, कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग चाहें तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो क्यूपर स्कार है हम लोग ओरिजिनल आईडी में परमानेंट निकाले कि नहीं निकाले। और गाइस जो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। जो मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक बोल रहा हूँ, आईडी जो है आईडी डिस्क्रिप्शन पे है, और जो गिल्ड का आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो जो लोग आना चाहते हो आ सकते हो हमारे गिल्ड में, यूनिक गिल्ड में, ठीक है गाइस। और यहाँ पे 24 घंटे के लिए निकल चुका है गाइस, 10 क्रिएट्स बचा है। क्या लगता है गाइस निकलेगा इसके अंदर से? निकल जाओ भैया, बाबू भैया निकल जाओ। अब एक एक ओपन करना होगा क्योंकि 10 तो ओपन किए थे नहीं। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से ओपन कर लेते हैं, नहीं निकला 2 दिन 3 दिन जो भी कह लो। चलो भैया निकल जाओ, एक तो परमानेंट निकल जाओ, बस एक तो मेरे को चाहिए, बस एक, अब इससे ज़्यादा नहीं। इतने सारे क्रिएट्स को ओपन किया हूँ मैं, 6 कोई नहीं। चलो चलो गाइज अपन चलेंगे इसके अंदर, और कैरेक्टर अलवारों को ले लेते हैं, और अलवारों को लेकर के हम लोग लक ट्राई करेंगे। तो चलो गाइज अलवारों भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है कैरेक्टर, और तब क्रिएट्स को ओपन करेंगे। क्या लगता है निकलेगा गाइज अलवारों को यूज़ करने पे 7 दिनों के लिए? क्या बात है, परमानेंट 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 निकल जाओ बाबू भैया, परमानेंट, एक परमानेंट। अरे यार 24 घंटे के लिए, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 3 दिनों के लिए वगैरह वगैरह, 3 दिन लाइन लगा हुआ ये तो 24 घंटे। चलो यार कोई नहीं, हम लोग अब बिल्कुल आशा ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से, मतलब कि जो जो चीज़ें मिली हैं वो अब हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो गाइस जाओ फटाफट से, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए वो तो अर्निंग ऐप का लिंक यानी कि विंजो गोल्ड का डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से गाइस आप देख सकते हो यार ये मेरा गन जो निकला 55 दिनों के लिए निकला, 55 डेज के लिए, और क्यूपर डिस्कार परमानेंट। तो गाइस गन काफ़ी अच्छा है, तो गाइस आप लोग जाओ विंजो गोल्ड को इंस्टॉल करो पूरे के पूरे बंदे यार, लक ट्राई करो। 10 लाख रुपए का सवाल है, जितने सारे रेफर करोगे, गेम्स खेलना है आपको, कुछ नहीं करना है, मतलब कि उसे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि 2-3 गेम खेल लेना है, 2-3 गेम नहीं, जितने सारे गेम्स दिख रहे हैं एक एक बार खेल लेना है। बहुत इजी मिशंस होते हैं, बहुत इजी, और आप मेरे लिंक से मतलब कि इंस्टॉल करते हो और वहाँ पर रेफर कोड मेरा यूज़ करते हो तो आपको बोनस मिल जाएगा 20-30 रुपये। तो गाइस उस बोनस से भी आप गेम प्ले कर सकते हो, और यही नहीं आप रेफर करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो, ऐसे भी कमा सकते हो रेफर करने पे, चाहे आपको ये दे या फिर ना दे, और लक के ऊपर 10 लाख रुपए है। तो गाइस जाओ और एक बार ट्राई करो विंजो गोल्ड को, ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं खुद इससे डायमंड्स लेता हूँ, और मेरे पास खुद अभी 13,000 के करीब डायमंड लिया, तो वो विंजो गोल्ड के सहारे से ही, मतलब कि उतने सारे मतलब कि उसी से अर्निंग मैंने किया है, गेम्स खेल के भी काफ़ी सारी चीज़ों से अर्निंग किया है। तो